हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम जब स्टार्ट कर रहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उससे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन सम बेसिक थिंग्स। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम अर्लियर लेक्चर्स में या तो अर्लियर स्टडीज में हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। मतलब हमें जब पता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ऐसे इक्वेशंस को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। लाइक वाइज ऐसे इक्वेशंस होते हैं, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक तक पढ़ा हुआ है। तो हमने क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन भी फाइंड करना सीखा है, मतलब लास्ट आपके स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपने। जैसे हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए उसके मतलब हमें क्या करना होता है, उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं, मतलब एक्स का वैल्यूज फाइंड करना होता है। तो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, तो इसके कितने वैल्यू मिलेंगे, एक्स के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो वो 2 वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करते थे, हम आपको याद होगा, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डेल्टा बोलते वो हम फाइंड करते थे, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम उसके रूट्स फाइंड करते थे, उसके वैल्यूज फाइंड करते थे। बट जब भी हमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिलता था, तो हम ऐसे बोलते थे कि देर इज नो रूट्स, ठीक है ना, नो रियल रूट्स, कि यहाँ पे कोई रियल रूट्स मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअल आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना फॉर्मूला था जिसमें ये वैल्यू पे हम डिपेंड करते थे कि आपको रूट्स रियल रूट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू लेस देन 0 मिलती थी, लेस देन 0 मतलब कैसे, नेगेटिव मिल रही होगी, तो जब भी आपको ये वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तब आपको कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है, मतलब एक्स का कोई भी रियल नंबर का वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो और एक चीज, एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लस 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 मिला। अब मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 क्या मतलब देता है, मतलब कि अगर आप दोनों ही साइड स्क्वायर रूट ले रहे हो, मतलब क्या कि यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है तो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 1, है ना। लेकिन अंडर रूट माइनस 1 मतलब किसी का भी स्क्वायर माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता। आप 1 से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, लाइक वाइज वो आगे जाता जाएगा। कभी भी किसी का भी स्क्वायर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 मतलब एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने से आपको माइनस 1 आंसर मिल रहा है, नेगेटिव में आंसर मिल रहा है। तो ऐसा तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर कैसा हो, नेगेटिव में हो। ऑलवेज स्क्वायर तो कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये जब रियल पोर्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है ये एक्स का वैल्यू, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे ये x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है, तो मैं ऐसे मान लेती हूँ कि मान लीजिए ये अंडर रूट माइनस 1 i का वैल्यू है, मैंने एक नाम दिया है i, i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
तो ऐसा एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट -1 है, ठीक है, स्क्वायर रूट में -1 है जिसका वैल्यू, जिसका स्क्वायर करने से हमें क्या मिलता है -1। मतलब ऐसा एक नंबर है आई जिसका स्क्वायर -1 है। तो अब इसके हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या होगा, देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए प्लस आई बी, ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, ए प्लस आई बी। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आई, और वो आई क्या है अपना, आयोटा, जिसका वैल्यू कितना है, अंडर रूट -1, जिसका स्क्वायर करने से वैल्यू कितना मिलता है, -1। ये चीज आपको बाई हार्ट याद रखनी है कि आई इज इक्वल टू रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये तो मैंने आयोटा आई की वैल्यू बता दी, ठीक है, बट ये ए और ये बी क्या है, ये रियल नंबर्स होंगे, ये कुछ भी हो सकता है, +1, 2, 3, 4, या तो -1, -2, -3, या तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, 2/5, 1/2, माइनस वाला फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल मतलब पॉइंट वाला वैल्यू भी हो सकता है। तो ये ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह से जो बनता है उस नंबर को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल 3+4i, ठीक है, या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 3+i4, आई को आगे लिखो या फोर के बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। तो 3+4i या तो फिर 3+i4, इसमें क्या है, 3 और 4 आर रियल नंबर्स, और ये आई क्या है जो मैंने अभी बताया, आयोटा, जिसका वैल्यू कितना है, अंडर रूट -1, जिसका स्क्वायर करने से कितना वैल्यू मिलता है, -1। फिर ये आप जो रियल नंबर है वो चेंज भी कर सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात की मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की। आगे हम बात करेंगे किसकी, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो मान लीजिए कि अपने पास दो नंबर्स है, ठीक है, और एक चीज में बताना भूल गई, सॉरी, जैसे ये ए प्लस आई बी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये जो सेट है ना वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, अब हमें बता दो चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए है, बी है, उसके साथ में आई है, और एक चीज कि ये जो ए है और जो बी है, जो रियल नंबर्स है, उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए जो है हमारा वो होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो बी जो है हमारा वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है। वापस से, ए क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, बी क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ऐसे यहां पे देख लीजिए तो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, 4। देखिए, मेक श्योर, और एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि प्लस के जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो रियल है और ये पूरा इमेजिनरी है, हमें आई को इंक्लूड नहीं करना है इमेजिनरी में, हम खाली कौन सा लेंगे, आई का जो कोएफिशिएंट है, जो रियल नंबर है, हम उसको ही इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, आई कहीं पे मेंशन नहीं हो रहा है, ना तो वो ए में आ रहा है ना तो वो बी में आ रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब हम वापस से अपनी चीज पे आ जाता है, जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हम उसके लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, एक है z1 और एक है z2, दोनों को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, z1 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू सी प्लस आई डी। मेक श्योर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला जो है उसमें रियल पार्ट कौन है, ए, इसमें कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, बी, अब दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट सी और इमेजिनरी पार्ट डी,
तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब हमें दिखाना है कि वो दोनों इक्वल है, तो वो दोनों इक्वल कब होंगे ये डेफिनेशन है। तो दे बोथ आर इक्वल इफ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे नंबर का रियल पार्ट दोनों इक्वल है और दोनों के ही इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। इसको आप कोई भी एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस आई, ये अपना हो गया z1 एंड z2 इज इक्वल टू लेट अस से 4 प्लस 5i। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, रेंडम एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, हमें इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे होंगे, इक्वल कब होंगे, जब a इक्वल टू c होगा एंड b इक्वल टू d होगा। तो देखिए यहाँ पे a कौन है, a मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, z1 की बात कर रहे हैं। z1 क्या होगा, रियल पार्ट उसका 2, देखिए ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे i के साथ कोई नंबर लिखा ही नहीं है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि तो हम क्या लिखेंगे, जब i के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 तो वहां पे हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही हम z2 का भी देख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो दोनों ही क्या होंगे, रियल मतलब ये फर्स्ट वाला 4 जिसके साथ i नहीं है, और इमेजिनरी मतलब जिसके साथ i है, i के साथ कौन सा नंबर है, 5। अब देख लीजिए ये अपना क्या है a, ये अपना क्या है b, ये c है और ये d है। डेफिनेशन के साथ कंपेयर कीजिए, a कितना है 2 और c कितना है 4, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स व्हाट, a इज नॉट इक्वल्स टू c, है ना। और दूसरे एग्जाम्पल मतलब दूसरा जब इमेजिनरी पार्ट देख रहे तो 1 आ रहा है और इधर कौन सा है 5, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या, b इज नॉट इक्वल्स टू d, है ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों मतलब दोनों ही नहीं इक्वल हो रहे तो ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। बट और एक चीज, अगर दोनों में से कोई एक इक्वल है और एक नहीं है, मैंने जैसे यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो ये वाला पोर्शन इक्वल हो रहा है और ये वाला नहीं हो रहा है, तो इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक नहीं हो रही है, तो क्या इक्वल होंगे, नहीं, तो भी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए उनको ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i, तो इधर क्या होगा, दोनों का रियल पोर्शन भी सेम है और दोनों का इमेजिनरी पोर्शन भी सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2, मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, z1 इज नॉट इक्वल टू z2, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये जो हमने बात की वो किसकी बात की, यस, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो है हमारा टॉपिक वो है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 जो टेक्स्ट बुक में हमें दिया गया है, सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ 4x प्लस i इंटू दी ब्रेकेट 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 प्लस i इंटू दी ब्रेकेट माइनस 6, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और दोनों ही कैसे दे रखे, इक्वल दे रखे। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे x और y का वैल्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक चीज यहाँ पे दी गई है, कौन सी चीज दी है, कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या, अभी हमने सीखा, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, देखिए 4 है, मतलब 4x है,
और यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो 4x प्लस मतलब सॉरी 4x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ का रियल पार्ट 4x और यहाँ का रियल पार्ट 3। एंड अब इमेजिनरी पार्ट की बारी, मतलब आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3x माइनस y। इसी तरह से यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट -6। तो हमने क्या किया, a इक्वल्स टू सी एंड b इक्वल्स टू डी। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं जो हमने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें x को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो यहाँ पे 3 एज इट इज, अब ये 4 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वालिटी के सामने जाएगा, मतलब जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीज वहां पे डिविजन में जाएगी, मतलब न्यूमरेटर से वो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 3/4। अब इस x का वैल्यू का हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। तो आइए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x का वैल्यू यहाँ पे। तो 3 को एज इट इज रखिए, ठीक है, फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3/4 जो हमने अभी फाइंड किया, माइनस y पुट डाउन एज इट इज एंड देन इक्वल्स टू -6। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में इधर 3 है, उसके साथ में 3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें पता है, 3 का कितना होता है 9, डिविजन में 4, माइनस y इक्वल्स टू -6। ठीक है, वापस से हमें क्या करना है, फिर से याद दिला दूं, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो ये अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा। हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y वाला जो टर्म है वो माइनस में, तो पुट डाउन एज इट इज, ये -6 एज इट इज रखो और 9/4 को इक्वालिटी के सामने भेज दो। 9/4 अभी प्लस में इधर सामने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, -9/4। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो आइए एलसीएम लेते हैं, -y = एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, इधर इधर माइनस है, इधर माइनस है, प्लस होगा, लेकिन वो करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन 6 के डिनोमिनेटर में तो 4 है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दे रहे हो तो ऊपर न्यूमरेटर में भी देना पड़ेगा, तो 6 × 4 = 24 और माइनस का साइन, ठीक है, नीचे 4 दिया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, -9/4। और सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो कॉमनली आप राइट कर सकते हो 4, ऊपर क्या है -24 - 9। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जब भी इक्वल साइन है हमें प्लस करना है, तो 24 + 9 कितना होगा, 33, तो -33/4। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए। अब क्या करना है, अब देखिए माइनस वाई का वैल्यू मिला है, कितना मिला है, -33/4। अब दोनों ही जगह पे माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y = 33/4। तो ये हो गया y का वैल्यू, पहले हमें x का वैल्यू मिला, फिर हमें y का वैल्यू मिला जो हमें फाइंड करना था। इस तरह से आप x और y को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एलजीब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एलजीब्रा के लिए पहले हम एडिशन देखेंगे, बाद में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, बट आज के लेक्चर में हम एडिशन का ही सीखेंगे। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो एडिशन के लिए मतलब ऐड करना है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए, तो लेट अस एज्यूम कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ए प्लस आई बी और दूसरा है हमारा सी प्लस आई बी, जो हम कॉमनली यूज करते हैं हम उसी को ले रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, अब जैसे जनरली ऐड करते हैं ऐसे इसमें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पोर्शन में दिया है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो जो समेशन हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है, वो भी कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू योर रियल पार्ट
एंड योर इमेजिनरी पार्ट. तो हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे. जब वेन एवर यू आर डूइंग एडिशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन फर्स्ट यू हैव टू ऐड योर रियल पार्ट एंड देन योर इमेजिनरी पार्ट. तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट ए में रियल पार्ट सी को ऐड कर दोगे. तो ये हो गया ए प्लस सी प्लस आई आप कॉमनली लिखोगे एंड देन इमेजिनरी पार्ट को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे बी प्लस डी, जो हमारा आंसर हो जाएगा. आइए हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. देखिए जेड वन लिया है टू प्लस आई थ्री, आप आई थ्री लिखो या थ्री आई लिखो कोई इशू नहीं है. एंड जेड टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस आई फाइव. अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन फाइंड करना है. तो मतलब क्या, जेड वन प्लस जेड टू फाइंड करना है. मतलब जेड वन क्या था, टू प्लस थ्री आई प्लस जेड टू क्या था, माइनस सिक्स प्लस फाइव आई. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. बट ऐड करने के लिए क्या, अभी मैंने बोला, अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे. तो टू प्लस यहाँ का रियल पार्ट टू है और यहाँ का रियल पार्ट माइनस सिक्स है, तो हम उसको ऐड करेंगे प्लस आई इंटू दी ब्रैकेट. अब आई कॉमन निकाल दिया है ठीक है दोनों में से, तो यहाँ का क्या है इमेजिनरी पार्ट थ्री प्लस यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है फाइव. अब उसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मतलब टू माइनस सिक्स प्लस आई इंटू थ्री प्लस फाइव. और सिंप्लीफाई करते हैं उसको, ये प्लस ये माइनस, जब भी अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से दो जाएगा कितना बचेगा फोर. बट साइन कौन सा आएगा उसका, बड़े नंबर का आएगा, ऑलवेज याद रखना है ठीक है. बड़ा नंबर कौन सा है सिक्स, उसका साइन कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी साइन कैसा आएगा नेगेटिव. प्लस आई इंटू फाइव प्लस थ्री कितना होगा एट. तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन. तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जब आप दोनों ने ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो आपको आंसर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला जिसका फॉर्म अपना फॉर्म है रियल फॉर्म जो ए प्लस आई बी ठीक है. तो ये हुआ एडिशन. फिर से बताती हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है और कॉमनली आपको आई को पहले लिख देना है ठीक है. तो ये हुआ एडिशन. अब एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आइए हम देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज. उसमें से फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब द क्लोजर लो. मैंने यहाँ पे लो लिखा हुआ है, आइए उसको समझते हैं ठीक है. द क्लोजर लो, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का वेन एवर यू आर डूइंग समेशन एडिशन कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट आंसर मिल रहा है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा. तो और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जेड वन लिया है जेड टू लिया है, तो आइए इन दोनों को एड कर लेते हैं. जेड वन प्लस जेड टू तो थ्री प्लस टू आई प्लस वन प्लस फाइव आई. अब ऐड करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, मतलब थ्री को वन में ऐड करना है. थ्री प्लस वन ये रियल का एडिशन हुआ, आई ब्रैकेट में हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट कितना है टू है, प्लस यहाँ का इमेजिनरी पार्ट कितना है फाइव है. सिंप्लीफाई कीजिए इसको, बहुत ही आसान है. थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस वन फोर प्लस आई टू प्लस फाइव सेवन. तो अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया तो आंसर में भी क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला. फॉर्म क्या है वही है ए प्लस आई बी है ना. तो ये इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट आंसर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है. दूसरा जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, कि जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन. मतलब क्या कि आप Z1 और Z2 का एडिशन पहले Z1 से करो फिर Z2 से करो तो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा. जैसे यहाँ पे क्या किया है मैंने, Z1 प्लस Z2 किया है तो वो क्या मिला, 4 प्लस I7 मिला. तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ इधर भी, कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5i.
जिससे हमें z1 प्लस z2 क्या मिल गया, अभी यहाँ पे फाइंड किया हमने 4 प्लस i7, तो वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है। अब फाइंड करते हैं z2 प्लस z1, तो पहले लेना है अब z2, यहाँ पे पहले क्या लिया था z1, बट अब हम पहले क्या ले रहे हैं z2, मतलब 1 प्लस 5i प्लस, अब z2 क्या है 3 प्लस 2i, अब ऐड करना है रियल को रियल में, ऐड करना है तो यहाँ का रियल 1 और यहाँ का रियल 3, तो 1 प्लस 3 प्लस i तो कॉमनली लिख रहे हैं, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करो तो 5 प्लस 2, सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस 3 मतलब 4 प्लस i, 5 प्लस 2 मतलब 7, तो यहाँ पे भी आंसर तो वही मिला जो z1 प्लस z2 में मिला था, इधर भी वही मिला और इधर भी वही मिला। ये अपना स्टार देखिए और ये अपना स्टार देखिए, मतलब LHS जो था वही RHS मिला है ना, तो वो आपका जो नंबर है वो मैटर नहीं करता है कि आप पहले z1 ले रहे हो फिर z2 ले रहे हो, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो आंसर तो 5 ही मिलने वाला है, लाइक दैट। तो अभी लास्ट मतलब थर्ड वाला प्रॉपर्टी देखिए, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 गिव्स z1 प्लस इनटू द ब्रैकेट z2 प्लस z3। समझाती हूँ मैं इसको कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को थर्ड वाले में ऐड कर रहे हो, ये वाला आंसर और सेकंड और थर्ड वाले को ऐड करके फिर फर्स्ट वाले के साथ एडिशन कर रहे हो तो वो वाला आंसर सेम होगा। उसके लिए एग्जांपल लिया है मैंने z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2i, z2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 4i एंड z3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस i। तो हमें क्या करना है, हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 जो ब्रैकेट में है प्लस z3, मतलब पहले किसको ऐड करेंगे हम z1 और z2 को ऐड करेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें हम z3 को ऐड करेंगे। तो z1 लिखिए 3 माइनस 2i प्लस z2 लिखिए माइनस 1 प्लस 4i, ये एक पूरा ब्रैकेट है प्लस आपका z3 पुट डाउन एज इट इज 3 प्लस i, ये दूसरा ब्रैकेट होगा। बहुत ही आसान है देखिए, अब हम क्या करेंगे रियल को रियल में ऐड करेंगे, पहले इन दोनों का हो रहा है तो 3 माइनस 1 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 3 प्लस माइनस 1, साइन के साथ कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप ब्रैकेट ऐसा है तो एक दो ज्यादा कर लीजिए बट साइन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्लस आई को कॉमन लिख दीजिए एंड यहाँ पे आई का कोफिशियंट मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 2। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आई का कोफिशियंट 2 ही लेंगे, 2 के साथ जो भी साइन है हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे आप खाली 2 लिखोगे तो योर कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, तो इससे मिस्टेक हो सकता है। देन प्लस 4 यहाँ पे पूरा एक ब्रैकेट कर दीजिए प्लस 3 प्लस आई, सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस आई एज इट इज माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया कितना बचा 2, तो ये कितना आया 2 प्लस आई 2 प्लस, अब ये थर्ड वाला उसमें ऐड कर दीजिए वापस से सेम रूल, रियल में रियल ऐड कीजिए और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कीजिए, तो यहाँ पे पहला रियल कौन सा है 2 और यहाँ पे रियल कौन सा है 3, तो 2 प्लस 3 प्लस आई और इमेजिनरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, देन 3 प्लस 2 मतलब 5 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 मतलब 3, तो आई के साथ क्या आएगा 3, तो ये LHS मिला हमें, वो कितना मिला 5 प्लस आई 3, तो ऐसे ही हम क्या फाइंड कर देंगे RHS फाइंड कर देंगे। RHS क्या है अपना, z1 को अलग रखेंगे पहले z2 z3 को ऐड कर लेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे मिलता है। z1 एज इट इज लिख दीजिए क्या है 3 माइनस 2i, अब हम पहले किसको ऐड करेंगे 2 और 3 को करेंगे तो माइनस 1 प्लस 4i जो अपना z2 है प्लस z3 3 प्लस i, ओके फर्स्ट वाला पुट डाउन एज इट इज प्लस, अब वापस से सेम रूल रियल में रियल को ऐड कीजिए तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस i, अब इमेजिनरी में इमेजिनरी यहाँ पे 4
प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या वन, ठीक है। नाउ थ्री माइनस टू आई पुट डाउन एज इट इज, प्लस माइनस प्लस माइनस और थ्री में से एक गया तो टू, बड़ा नंबर है थ्री, थ्री वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, प्लस फोर प्लस वन मतलब फाइव, तो यहाँ पे क्या आया टू प्लस आई फाइव, आई फाइव लिखो या फाइव आई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम, ठीक है। वापस से सेम रूल, थ्री प्लस टू रियल को रियल में एड कीजिए, प्लस आई, आई का कोएफिशिएंट क्या लेंगे हम, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा टू या माइनस टू, हम माइनस टू लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस यहाँ पे फाइव है आगे प्लस है, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, थ्री प्लस टू फाइव, प्लस प्लस माइनस माइनस और फाइव में से टू को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस थ्री क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा नंबर फाइव है और वो प्लस में, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा प्लस थ्री आई, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो ही मिला। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है थ्री प्लस के साथ, और यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट थ्री है प्लस साइन के साथ, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिला, मतलब एसोसिएटिव लॉ इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देर आर मोर टू प्रॉपर्टीज फॉर दिस एडिशन, बट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।